महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में ये आशंका है कि कानून व्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे बिहार में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो गृह विभाग है जो मुख्यमंत्री के अधीन है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का वो फोकस यहाँ के शासन प्रशासन व्यवस्था पर है नहीं, अपनी राजनीतिक मजबूरियों में अपनी राजनीतिक वाहों में पड़े हुए हैं, कभी भाग कर इधर कभी पलट के उधर। तो जब आपका पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाए, किसको जोड़े, किसको हटाए, कैसे सरकार बचाए, कैसे कुर्सी बचाए, तो आपके पास समय कहाँ है कि आप कानून व्यवस्था देखिएगा। दूसरी वजह कानून व्यवस्था बिगड़ने की है शराबबंदी का कानून। ये जो शराबबंदी का कानून लागू किया गया, एक तो इसमें खाली शराब का दुकान बंद हुआ, घर घर शराब तो बिक ही रहा है, लेकिन पूरा प्रशासन जो है उसकी प्राथमिकता शराबबंदी हो गई। शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी हटाओ, शराबबंदी से कमाओ, शराबबंदी को छुपाओ। तो जब प्रशासन व्यवस्था पूरा शराब पर ही लगा रहेगा तो सामान्य जो कानून व्यवस्था की स्थिति वो बिगड़ेगी। और तीसरा, जब भी राजद किसी भी गठबंधन में रहा है तो लोगों का अनुभव, लोगों का अपना जो मानना है कि राजद जब सरकार में रहती है तो इस तरह के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है, और वही चीज आप बिहार में देख रहे हैं। पिछले 3-4-5 महीनों से स्थिति दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है।